ने मुठभेड़ में मार गिराया था। ये दोनों इन दोनों ने दो कांस्टेबल्स की हत्या की थी प्रयागराज में, और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट विटनेस श्री उमेश पाल का मर्डर किया था, और इनकी फोटोग्राफ्स घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरास में भी दर्ज हो गए थे, और ये फुटेजेस पूरे देश में विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रचारित हुए थे। आज कल रात ही इस प्रकरण में एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंद्र कुमार द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है, और साथ ही इनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी समाप्त हो गई है। अब पुलिस इंतजार कर रही है कि इनके परिवार वाले इनके बॉडी को क्लेम करें और उनका फिर लास्ट राइट्स कराई जा सके। गुड्डू मुश्किल के बारे में भी अपडेट आ रहा है कि उसके के भी इनपुट्स मिल रहे हैं, तो अभी क्या ऑपरेशन में ऐसा कुछ है इसमें कि उसको भी गिरफ्त में आ चुका है? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। लगातार एसटीएफ की टीम्स इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी इस पर और कोई अपडेट नहीं। यूपीएसएफ का कितना बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि लंबे वक्त से एसटीएफ इस पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रही थी, बहुत वाइजली कई चीज़ों पे कई इनपुट्स पे काम किया गया था, तो एज अ पुलिसिंग में कितना वाइज देखा जाता है इसको? इसमें ये वन ऑफ द फ्यू ऑपरेशन हैं जिसमें एसटीएफ ने अपने सभी टीम्स को लगा दिया था, अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके पहले बहुत ही कम केसेस में हुआ है ऐसा, और चूंकि ये केस इतना इम्पॉर्टेंट था, इस प्रकार का मर्डर जो एक माफिया गैंग द्वारा किया गया, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे रूट्स पर अटैक था, क्योंकि अगर गवाहों की इस प्रकार हत्या होगी और इस तो फिर कोई भी व्यक्ति गवाही देने के लिए खड़ा नहीं होगा और पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। कल जो इनकाउंटर हुआ उससे एक तो ये जो आरोपी था, एक वो दूसरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात आई थी कि लोगों की आगे की प्लानिंग भी थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नलिफाई करने में, क्योंकि अतीक के काफिले को कॉन्वॉय के ऊपर हमला करके उसको बचाने का या आगे की भी जो साजिश हो सकती थी उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगा रहा है। इनके द्वारा कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे जिससे पुलिस और ज़्यादा बैकफुट पर आ जाती, इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो जाते, मुलजिमों के खिलाफ सबूत जुटाने में और मुश्किल होती, खास करके ऐसे मुलजिम जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो 120 बी के मुलजिम हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे हैं, तो ये सभी अब पॉसिबिलिटीज़ नेगेट हो गई हैं इस मुठभेड़ के, और उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी तरीके से होगी और इन सभी मुलजिमों को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में कामयाब होंगे। थैंक यू। एडीजी